रास्ते में रुके हुए हैं क्योंकि एम्बुलेंस जो है ये आ चुकी है जी। अबू जी चलो अम्मी जान आप जाए। इरफान डेरे पखे हो अच्छा अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम करीबन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो हमारे घर की जो है रवानगी है आज, ये देखें इसके ने अपने सामान भी उठा लिया जो मामू अहमद से गिफ्ट मिले थे, सबसे पहले वही शॉपर उठा लिया है। और हमने इधर बैग में कपड़े वगैरह हमने सारे कपड़े उठा लिए थे ना, जो उधर से हैं। अच्छा बैग में पूरे नहीं आए, ये वाले तो अलग अलग हैं, ये वाले ये किसके हैं? ये भी अब सामान है ना। अच्छा अच्छा ये सिर्फ जाए नमाज है। हाँ ये जाए नमाज है सिर्फ बस। अच्छा सारी जो है अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, हो गई है ढूंढते हैं पक्के वाला तो जरा ना एक जगह। हाँ जी पक्के वाला शापा ढूंढते हैं। वो तो ले गए कोई, कौन ले? वो इधर से जो जा रहे थे ले जा रहे थे। इस शापर में क्या है? हाँ एक वो रखा हुआ है, कुछ और चीज है तो बाहर निकाल। वो ले आई फिर डब्बे? नहीं डब्बे उधर रखे हैं। वो भूल ना जाते हैं। हाँ वो भी लेने। हाँ और मामी नाश्ता बन गया के अभी देर है? बस अभी बनाती हूँ। अच्छा अच्छा चलो बना लें। चलो पूछते हैं भाभी को जो अगर कोई दूध लग जाता है तो ना, तो फिर कोई सेकंड करते हैं। हाँ जी हाँ जी पूछ आओ चलो। हाँ जी आप लोग जा रहे हो? हाँ जी जा रहे हैं। जाना तो है, किसी से ना पूछा ना बताया ना बैग उठा के तो चलती है जी। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग के हम घर जा रहे हैं तो जाए ना जाए। हम जो आते हैं हम तो बोलते हैं हम घर जा रहे हैं या हम आ रहे हैं। हाँ जी सुबह सुबह उठे ना हमें बोल रहे हैं हम आज घर जाना है, लॉज में घर जाना है। हम ऐसे ऐसे तो सवाल करते रहे लेकिन हम अभी ना जाने का वक्त आ गया तो हम उठा के चले जाना। इस्तेहाना भी आप घर जा रही हो? इस्तेहाना भी घर जा। हाँ जी नाश्ता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है हम रवाना होते हैं, घर में जो है मसला बना हुआ है, कॉल आ गई थी सुबह सुबह तो उसके लिए दुआ करना। क्या मसला है? वो कौसर की तबीयत खराब है, शायद बेबी होने वाला है। अल्लाह पाक करम फरमाए जी इंशाल्लाह। हाँ जी आमीन। हाँ जी और आपने भी जरूर आना है इस बार, घर में शिफ्ट करा के जा रहे हैं। खैर खुशी से दुआ करेंगे, खैर खुशी से बेबी हो जाए। हाँ जी फिर हम मुबारकबाद देने के लिए आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसा है कि आप लोग तो चलो आ गए हैं। हाँ जी और जो पीछे है ना उनको भी आप लोगों ने भेजना है। हाँ वो बेबी हो जाएगा खैर से, वो कुछ बड़ा हो जाएगा फिर इरफान और कौसर को भेजेंगे, काफी अरसे से आए भी नहीं है। हाँ जी उनको भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह मिलते जुलते रहेंगे जी इंशाल्लाह। और अगर अभी हमारे साथ चलना है आप जाएंगे कैसे? मतलब ऐसे पैदल जाएंगे? उधर खाला के घर है, उधर से एक काम है एक वो भी करना था तो इसलिए अम्मी कह रही है कि पैदल ही चलें, इधर से थोड़ा सा सफर है, ऐसे गाड़ी वालों को तंग ना करें ऊपर से वो फाटक तक कैसे दूर का सफर है। ज्यादा सफर हो जाता है ना गाड़ी पे, डबल हो जाता है ना। हाँ जी वो तो वैसे मामू मोहियुद्दीन है कि अगर आपने इधर से डायरेक्ट घर जाना होता ना। हाँ जी फिर मैं आपको अड्डे के बाद से दिखा के आता। हाँ डायरेक्ट नहीं जा रहे ना, लेकिन अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं मिलना है या कोई काम है या कुछ भी है जी वो फिर उनकी जिम्मेदारी है, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। हाँ जी आपकी जिम्मेदारी इधर तक है ये है गेट। अगर तो बात सुने ना, अगर आप मेरे घर आते हैं ना हाँ जी कॉल करते हैं
बस अड्डे पे आके मुझे कॉल करते हैं, हम पहुंच गए हैं, हमें रिसीव करो। हाँ जी, वो मेरी जिम्मेदारी है जी। और अगर मेरे घर से आप बोलते हैं ना कि हम घर जा रहे हैं, हमें बस पे बिठा दो, वो भी मेरी जिम्मेदारी। हाँ जी। और अगर आप कहते हैं ना कि हम फलां के घर जाएंगे, उधर काम है, इधर काम है, तो फिर उनकी जिनके घर आप जाएंगे ना जी, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तो इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं। हाँ वैसे तो बाबू ये है कि मुझे बताएं, नाश्ता रोटी सारा कुछ मतलब ओके है ना? सारा कुछ ओके है, खा पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बिस्कुट भी खा लिए, रोटी भी खा ली, सामान अपना सारा फैन सारा कुछ कर लिया है। देखे अब आना तक खुद रुक भी नहीं रहे, बहुत देर बाद जल्दी चले। हाँ जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो। हाँ मामी आ जाए, चले हाँ खाना लेके आ जाओ। आमीन आमीन इंशाल्लाह ठीक है। ये क्या बैग भारी है हमें? हाँ कुछ भारी है, ये मैं उठा लूँ? हाँ उठा सकते हो तो उठा लो, ना तो हम नहीं, ये मैं उठाता हूँ, बस कैमरा बंद होने की देर है। अब माशाल्लाह हो गए हैं हम रवाना, ये बैग भी मैंने उठा लिया है और इस्तिहाना भी अब ऐसे आ रही है अम्मी ने, क्योंकि वो उठाए हुए हैं मिठाई और कपड़े वगैरह, गिफ्ट वाले कपड़े। इस्तिहाना को हमने कहा आप ऐसे तो चल नहीं पाती, आप वजन उठा के कैसे चलोगी, आप हमें दे दो। तो फिर इस्तिहाना ने दे दिया, मुँह से कपड़ा निकाल लो तो फिर। हाँ ऐसे आदत पड़ गई गंदी, आपकी बहुत गंदी आदत पड़ गई है, आप कपड़ा मुंह में डालती हो। अच्छा इधर थक जाती हो आप, इस तरह का जूता भी टूटा हुआ है, पैर आगे निकल आते हैं। चलो घर जाके न्यू लूंगे। न्यू जूता ले लोगी? नहीं घर जो पड़ा है ना। हाँ वो न्यू है, फिर वो पाएगी। हाँ तो घर में न्यू पड़ा है वो पाएगी इस तरह। तो अभी हम जा रहे हैं खाला के घर में, उधर काम है, कपड़े वगैरह भी हैं हमारे, वो भी उठाते हैं, और उसके बाद उधर से ही करीब हो जाता है चौक, तो हम रवाना हो जाएंगे। अभी आ गए हैं हम ट्रेन वाली पटरी पे, ये देखें इधर रुके हुए हैं क्योंकि ट्रेन जो है बहुत दूर है, अभी आने वाली है, इसलिए हमने कहा रुक जाते हैं, कोई बात नहीं उसको गुजरने देते हैं, बाद में गुजरेंगे, क्योंकि हमारी इस्तिहाना जो है आहिस्ता आहिस्ता से गुजरती है। सही है ना अमीजान? ट्रेन आ गई है, हम अगर इधर से गुजर रहे होते वो आ जाती, फिर हम पीछे हो जाते, हमें डर लगता है। हाँ जी देखो बहुत तेज आ रही ना, जब नज़दीक में जाती हो ना तो डरा देती है बहुत। शुक्र। हाँ जी ट्रेन गुजर गई है, आ जाओ अब। हाँ आ जाओ, जल्दी चल नहीं सकती ना। हाँ जी हाँ, इसलिए तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा ना चलें। हाँ तो बहुत करीब, हाँ करीब थी ये ना, ये सब्ज भी नहीं हुआ था इशारा, पता नहीं इसका क्या मसला है, सिग्नल नहीं दे रहा। हाँ, पता कोई खराबी, ये तो लाल खड़ा था, लोग समझते हैं जब लाल हो ना तो फिर कोई ट्रेन नहीं आ रही होती, लेकिन ये सब्ज भी नहीं हुआ, लाल खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रेन आ गई, हो जाता है। हाँ जी, तो अभी जो हम पार कर रहे हैं, ये देखें ख्याल से जाना इस दिया ना, हमें आपकी फिक्र रहती है। तो आप जो है अब कोई ट्रेन नहीं आ रही, तो इस तरफ से हम गुजर कर खाला के घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह पहुंच गई हो इस दिया ना, कहाँ पहुंच गई हो? खाला के घर, खाला को सलाम किया है? सलाम ठीक हो? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक, शुक्र है। घर वाले सारे ठीक हैं? सब ठीक हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई घर वाले नजर तो नहीं आ रहा? हाँ नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो मेहमान कल से आए हुए थे ना, हमारी बड़ी सिस्टर, तो छोटी सिस्टर और हमारी जो चाची थी, फूफी थी, सब आए हुए थे।
वो सुबह सुबह नाश्ता करके चले गए हैं। अच्छा, और साथ में हमारे लिए बुजुर्गों की तैयारी बन गई, वो भी उनके साथ चले गए। वो उनके साथ चले गए। हाँ, देखे अम्मी, ये तो धोखा हुआ हमारे साथ। जाना उन्होंने था, कहीं ना कहीं चले गए। हाँ, वो ना अबू कह रहा था अलीपुर जाना है, अम्मी कहती थी भावलपुर चले, इसलिए ना फिर आप लोगों का सुना कि आप लोग ना अभी इधर जो है ना कुछ दिन रुकेंगे। हाँ, हमने यही कहा था, लेकिन आप लोग भी अचानक तैयारी बन गई तो फिर वो तो पहले चले गए थे। हाँ, हाँ जी, हमारे घर की जो ना कुछ मजबूरी पड़ गई, सुबह सुबह हम नींद नींद से उठे थे, सुबह सुबह कॉल आ गई फरमान के अबू की, जब सर फौरन ने घर पहुँचो, पहुँचा जो है तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है बुखार न लोग बेबी आने वाला हो, इसलिए हम जल्दी अचानक से तैयारी बांध गई। मैं तो उन्हें जाना था, लेकिन फरमान बोल रहा था तो मैं देना हालिफ भी थे वो, इसलिए हम मैं आख्या फरमान तो हम इकट्ठे भी चलते हैं। हाँ, बहुत परेशानी बन जाती है। हाँ जी, अल्लाह पाक खैर करे, बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है कि कौशल को जो है उसका बेबी जो है वो खैर से आ जाए। आमीन। कोई भी ऐसी परेशानी ना हो, कोई भी ऐसा तकलीफ ना हो। जी जी, आप लोग भी खैर से। हाँ, मुझे हाँ, आप मजबूरी है, आप कुछ कह तो नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग बैठे हैं या हाँ दिन गुजारे या रात गुजारे, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आप लोगों ने ऐसी मजबूरी बता दी। ऐसे ऐसे काल आ गए, काल से तो कुछ पता नहीं चलता ना, मैं जो घर की बड़ी हूँ, मेरा आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या मसला और है, क्या 5-6 साल बाद खुशी आने वाली है। हाँ जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है ना ऐसी खुशियाँ सबको दे। आमीन। और दूसरी खाला ऊपर है। और परिहाल इशबा, कैसी हो, सलाम कर दो, चलो खाला को सलाम करो, चलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, हमारे घर जाना है। हाँ जी, चलो हमारे घर चली जाओ, करो मम्मी को बोलो सोने कपड़े पो, मुझे तैयार करो, हमें जाना है भावलपुर, ठीक है। हाँ, बोलो अलीजा, तुम भी जाना है। हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ अलीजा, चल रहे हमारे घर चले। ऐसा चुपके है। हाँ जी, कौन है, हैं गाड़ी कहाँ पर थी, गाड़ी कैसे चलती थी, हम तो इसके अंदर भी बैठे थे जब कराची से आए हैं, जब करीब आई ना ऐसे ऐसे करती भाग गई। हाँ जी, भागने लग गई थी। अच्छा, अबू की कॉल फिर से आ रही है, सुन लो। अच्छा अम्मी, फोन तो लिया है आपने, अबू बता रहे थे कौशल भाभी को हॉस्पिटल ले गए हैं, आप जल्दी आ जाएं। बच जाते हैं, तुम्हारी खाला को बुलाते हैं। हाँ, उठते। हाँ, खाला को बुलाओ। हाँ, और आप लोगों ने चैनल भी छोड़ दिया। ये बुरा नहीं लगा, वो हमारा बड़ा भाई है, वो हमें मार भी सकता है, मारे, लेकिन वो ऐसे आके हमें मारता, जो कुछ मर्जी करता, लेकिन हमें बुरा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि जो उन्होंने हमारे भाई ने गलती ये कर दी कि उन्होंने ना यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो लगा दी, तो हमारी बदनामी है उसकी, ये नहीं है कि लोग हमें गालियाँ दे, उसको भी गालियाँ दे रहे, सबको गालियाँ दे रहे थे, तो दुख होता है। इसलिए ना ऐसा हमारे घर में ऐसा माहौल हो गया था, कोई सब जो है ना वो चुप हो गए थे, ऐसे लगता था कि जैसे ना हमारे घर से ना कोई चला गया हो। हाँ, तो चलो अल्लाह करम करेगा आप लोग, बस यही परेशानी थी। हमने नहीं, फिर सब बहन भाइयों ने किया, हमको बहुत सपोर्ट की, हमें बताया कि आप लोग ऐसा नहीं करो, ये तो जिंदगी में चलता रहता है। हाँ, काम कौन छोड़ता है। हाँ, काम तो हमने इतने कर्जा भी देना है घर का, तो सब ने बोला कि आप ना बस ये बस आप किसी की नहीं सुननी, बस हमारा घर है, हम अपने घर में खुश हैं, जो भी हमारी है, हम ना किसी के बारे में ना हम बुरा बोलते हैं ना बोलेंगे। जी जी, जो लोग कहते हैं अच्छा बुरा जो है वो उनका मसला है, हमने अल्लाह पाक को जवाब देना है, हमारा अल्लाह जानता है हम जैसे भी हैं। हाँ जी, हाँ, तो फिर इसलिए ना हमने कल से वीडियो जो है बनाई है,
कल वीडियो बनाई है, अभी मैं सुबह चलो माशाल्लाह माशाल्लाह काम नहीं छोड़ा है, छोटे छोटे बच्चे है, रोजी का मामला है, रोजी तो करनी है ना जी। इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, ये है आखिरी जाके कर्जा भी लहाना है, रोजी का सिलसिला तो चलता रहेगा। चलो अब खाला को बुलाओ, टाइम जो है कम है, कुछ भी नहीं बोलना, अपने काम से काम रखना है। हाँ, जो कुछ होगा अल्लाह की तरफ होगा। हाँ, खुशियाँ आएंगी एक दिन देखना, सब खुश होंगे, हमें उम्मीद है। हमने भी इसी सब्र में गुजारे थे दिन, आप लोगों को भी पता है, अब देखें वही खुशियाँ वही सब कुछ चलता रहता है। कभी कोई मसला, कभी कोई, अगर कुछ दिन के लिए अल्लाह पाक आजमाता है, कुछ दिन के लिए मुश्किल आते हैं, तो इंशाल्लाह खुशियाँ भी जरूर, खुशियाँ भी आएंगी जरूर। दुख सुख मसले मसाइल परेशानियाँ तो ये हर इंसान के साथ होता है, हर वक्त भी साथ होता है, कभी इंसान कैसे मूड में, कभी कैसे परेशानी, कभी कैसे खुशी, ये तो जिंदगी में चलता रहता है। हाँ जी, ये तो आगे भी चलता रहेगा, लेकिन हिम्मत से काम लेना, परेशान नहीं होंगे, टेंशन नहीं करनी अपने काम से। ऐसा हो गया था ना कि हमारे ना, मतलब कल जब हम वीडियो बनाने लगे ना, तो मुझे ना सलाम भी नहीं आ रहा था, यही बात है मुझे पता है, क्योंकि हमारे ना आवाज भी नहीं निकल रही थी, ऐसा माहौल हो गया था, लेकिन कोई मतलब के बस ऐसे हो जाता है। वालेकुम सलाम, समझते हैं क्योंकि हर कहीं की जो है ना, ये सब रिश्ते जो है ना अल्लाह पाक ने सबको दिए हैं, कि उनको एहसास हो कि जितनी हमको रिश्ते प्यारे हैं, सबको इतना ही प्यारे हैं, इतना भी होता है, मगर हर रिश्तेदार। चलो खाला को बुला ले, खाला को बुला के लाओ, सबके साथ भी ऐसा होता है। जाओ खाला अम्मी से बोलो, वो खाला आई हुई है, वो बुला रही है नीचे, जल्दी भाग के जाओ। यही बोलते हैं, तो क्या है ना, एक फ्रेंड का ऐसा रिश्ता होता है कि कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिल्कुल बहनों के साथ कुछ भी हो, लेकिन अगर मतलब कि हमारा बहनों का ऐसा जो दिल होता है, ऐसा ही होता है, हम कुछ भी बर्दाश्त, अगर हमारे भाई को भी बहुत लोग, क्योंकि ये कम जो होते हैं हर कोई पढ़ लेता है जी, हमारे भाई को भी बहुत लोग बड़ा भुला कह रहे थे, फिर भी हमें दुख हो रहा था, चाहे मतलब कि हमारे ना ये झगड़ा है जो कुछ है, लेकिन फिर हाँ, भी हमें दुख हो रहा था, क्योंकि बड़ा भाई है, फिर भी देखें हमारे भाई को हाँ, जो है ना लोग कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, रहने नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम भी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब भी दुआ करें, अपने काम से काम रखें, किसी के ना सुने ना सुनाए ना, एक दिन ऐसा आएगा जो फिर वो खुशियाँ वापस लौटाए। बिल्कुल, परेशानी क्योंकि हमें पहले परेशान रहते थे, क्योंकि हमें ना इस घर के बारे में लोग ना अजीब अजीब बातें करते, बहुत तकलीफ होती थी, जब से हमने घर लिया है ना, हम बहुत खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस ये थोड़ा सा ना बस दुख लगा था हमें, लेकिन हमने ना अब खुद को हमने संभाल लिया, कि हमने किसी का कुछ ना सुनना है, ना किसी को कुछ बोलना है, बस हमारा घर है, हम अपने घर में खुश हैं, जो हमारी रूटीन है, जो हमारे, हम बस अपनी मेहनतें करेंगे और अपनी मेहनत का जो है ना खाएंगे, अपनी मेहनत का। बिल्कुल ठीक है, एक दिन आप जाना ही, कर्जा भी खत्म हो जाए, अमीना सिस्टर को बुला के ला, और गई तो है मुकम्मल। हाँ, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा अम्मी, अब मिल लें खुद ऊपर जाकर, वो नीचे नहीं आ रही, नहीं आ रही, फिर हमें जल्दी, आपको पता तो है कहाँ से कॉल आ रही है, पर जाओ। हाँ रुक जाएगी, आप होके आ जाओ, बैठ जाओ, मैं वो खाला खाला आ रही है, आ रही है, आ गई है खाला जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ठीक आप सुनाए, तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम है, माशाल्लाह। हमारे खालू भी ठीक हैं, हां जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। हां हमें दे इजाजत, हमने जाना है, घर में मजबूरी बनी हुई है, कौसा को अस्पताल ले गए हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हाँ जी, मैं अभी देखा है ऊपर से, तो मैंने सोचा कल वो हमारी बहन दूसरी आई है ना, हाँ कह रही थी भी 3-4 दिन ना अभी आपके ना बता रही थी भी, हाँ, अपना फरमान जो कह रहा था, जो मेरा काम सामने अच्छा चल रहा है, एक हाथ चल भी रहा काम, तो मैं जो रुकना है, तो मैं तो आज जाना लाजमी जाना था, मुझे पता है वो माशाल्लाह के घर मसला होने वाला, तो मेरे को तो बहुत जल्द जाना था, भी बड़ी कोशिश की थी, मगर टाइम आज लेट भी हो गया। फरमान को बोला सुबह सुबह उठ के हमें जो बास्केट बिठाना,
फिर तुम्हारी मर्जी है, जितने दिन रहना है फिर फिर आ जाना। सुबह सुबह नींद से उठे तो घर में फूल आ गए, जल्दी जब वापस आए तो तबीयत जो सारी ख़राब है, हम अस्पताल ले चले तो हो सकता है बेटी आने वाला हो। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी ना चार पानी दे के हम रवाना हो। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है खैर खरीत से अपना बेबी आपको कबूल फरमाए। आमीन। सलाम दुआ सबको दे देना हमारी तरफ से। जी वालेकुम अस्सलाम। बता देना, हम बहुत बहुत दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आ गए, हम तो इधर ही हैं, आप आ गए। आप ऊपर रहते हैं ना? नहीं, आप ऊपर रहते हो ना, इसलिए जो ठीक है बैठे खड़े हुए क्यों नहीं? बस हम जाने वाले हैं तो इश्तिहाना भी आई हुई है। कितने बजे पे हो? घर जा रही हो? खुश हो? हाँ। हम नहीं जाने देंगे, इधर रहो। बोलो माफ करो, बोलो माफ करो। बोला जाना, उठो घर जाना है तो जल्दी जल्दी उठ के नाश्ता कर लिया, अभी खुश हो रही है, घूमने घर जाना है। हाँ जी चलो ठीक है, फिर हमें इजाज़त। नाश्ता कर लिया है हमने उधर से, सारा कुछ खा पी के आया है। वो कोस्टर आते जाते रहते हैं ना, तो जाना भी जल्दी है। हाँ अभी अभी भी कॉल आई है, इधर पहुँचे हैं तो बताया, सुबह बताया था कि घर में है, तबीयत ख़राब है, तो हमने कहा चलो हम आ रहे हैं। अभी फिर कॉल आ गई कि हम हॉस्पिटल ले गए। हाँ तो इसलिए हमने कहा मिल लें, तो अभी इजाज़त है हमें। आमीन आमीन। हाँ जी गाड़ी में बैठ गए हो? हाँ ये डेरा बखा जाएगी गाड़ी। और इस्तियाना को देखें, बाहर की तरफ देख रही है। इस्तियाना इस्तियाना कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो? हाँ तो हमारा सफ़र जी जारी है, हम इंशाल्लाह डेरा बखा उतरेंगे और वहाँ से जो है अब्बू को कॉल करेंगे। अब्बू ना भी आ सके क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, तो हमें रिक्शे पर जाना पड़ेगा। ठीक है फिलहाल जो है हम गाड़ी में हैं। माशाल्लाह जी डेरा बखा पहुंच चुके हैं और ये देखें इरफान भाई आ गया है हमें लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इरफान भाई? तबीयत से ठीक है? इस्तियाना को करके देखे वो आ गई भैया। चलो तो चला लोगे? आप चला लो। चलो मैं आप चला लेता हूँ क्योंकि वजन भी बहुत ज़्यादा है ना। तो अभी हॉस्पिटल में है अबू जी? और हॉस्पिटल में। चलो घर जो है इस्तियाना को छोड़ कर फिर चले जाएंगे हम ही और मैं, आप भी चलोगे? हाँ अच्छा चलो ठीक है, जैसा ठीक है। हाँ इस्तियाना को तो छोड़ना है ना, चलें इस्तियाना। गर्मी भी हो गई है धूप पे खड़े खड़े। तो हम इधर रास्ते में रुके हुए हैं क्योंकि एम्बुलेंस जो है ये आ चुकी है, हावलपुर में लेके जा रहे हैं। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, ये देखें बच्चे को। जी अबू जी बोल, बारो बोल, बारो बोल, बारो खोल दे। चलो अमी जान आप जाए। इरफान डेरे पखे हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। हाँ हाँ जी जी चलो ठीक है। तो बेबी जो है हो चुका है और बेबी को लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं।
अल्लाह खैर करे, सब दुआ करें। माशाल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं और घर में भी सब हमारे आने से पहले ही खुश हैं, क्योंकि आपको पता है आज खुशखबरी है। जैसा कि आपने देखा है कि हॉस्पिटल लेके जा रहे थे हमारा बेबी को, वो हम बताएंगे कि बेबी कौन सा है। तो आज अभी घर पहुंचेंगे तो हम दिखाएंगे। और घर में देखें सब खुश हैं, सब सोफिया को देखें माशाल्लाह, इधर टप्पे लगा रही है टप्पे। हाँ जी, मैं खाला भी बन गई हूँ और चाची भी बन गई हूँ। हाँ जी माशाल्लाह अल्लाह ने खुशी दी है। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो माशाल्लाह से आज हमारे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी है, माशाल्लाह हमारे घर में छोटा नन्हा मुन्ना एक बेबी आ गया है। हाँ जी, जो इस्तिहाना को पता चला है वो इस्तिहाना खुश हो गई है। इस्तिहाना बेबी देखा है इसने? हाँ, देखा था एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। हाँ ये देखे, ये सारा सामान भी इसने बखेर दिया। हाँ, दुआ करें वो उसको ना हॉस्पिटल ले गए हैं, क्योंकि बेबी में ना कोई मसला था तो फौरन ही बहावलपुर हॉस्पिटल में ले गए। केस इधर ही हुआ है तो सब ने दुआ करनी है कि वो बेहतर हो जाए जी इंशाल्लाह। हाँ तो ये देखें जी सामान जो है वो अभी देख रही है सोबिया। हाँ वो इस्तिहाना निकाल के दिखा रही थी तो मैं देख रही थी। हाँ दिखा रही है दुपट्टे शुपट्टे। हाँ जी वो तस्वीरें देखी हैं। हाँ जी ये मैंने देखी हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। ये बनवाई थी मैंने। मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो आपके साथ गई नहीं थी, देखिए आपने मेरी तस्वीर भी इसमें फिक्स कर ली। हाँ जी मैंने कहा मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही हो। हाँ, और ये वाली बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी है ना? हाँ जी। ये देखें माशाल्लाह ये मैंने लगवाया है। तो ठीक है फिर अभी जो है वो पता चलेगा। अबू अम्मी हॉस्पिटल में, अम्मी रास्ते में ही एम्बुलेंस पे चले गए थे और इरफान भाई भी उधर ही है हॉस्पिटल में। मुझे और इस्तियाना को घर छोड़ गया। अभी कॉल की है, अगर मेरी जरूरत पड़े मैं ये वाला बाइक लेके आ जाऊँ तो वो कहते हैं कि नहीं अभी नॉर्मल है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। तो वो एम्बुलेंस से उधर से आ जाएंगे ना तो एम्बुलेंस पे ही घर छोड़ जाएंगे जी। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि जो ऑपरेशन के ना हमें डर था कि कमजोर बहुत है भाभी जान तो ऑपरेशन ना हो, शुक्र अल्लाह पाक का कि नॉर्मल केस हुआ है, माशाल्लाह डिलीवरी हो चुकी है। ये नहीं पता नॉर्मल हुआ है कि ऑपरेशन हुआ है, ये तो अभी आएंगे तो बताएंगे। हमने कॉल की थी ना तो इरफान भाई ने बताया था। अच्छा तो नॉर्मल हो गया? हाँ उन्होंने बोला कि ऑपरेशन, वो बोलते हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह तो नॉर्मल। ये भी खुशी की बात है ना, क्योंकि जो ऑपरेशन होते हैं ना, आप मेरी अम्मी का देखें अभी तक वो चार पाई पे सोई हुई है। हाँ जी चलो अल्लाह ने करम किया तो जैसे ही घर आएंगे खुशियाँ होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हाँ इस्तियाना को देखे माशाल्लाह, बेबी छोटा बेबी कितना छोटा है, इतना छोटा घर ले आएंगे फिर देखेगी इस्तियाना। मजे की बात बताओ, वो मेरे वो ना कपड़े पड़े हुए थे घर में तो मैंने ना वो थे औरतों वाले। हाँ। तो मैंने वो सिलाई काट दिए छोटे बेबी के बना लिए। भाभी बोलती है कि ये तो लड़कियों वाला बना लिया। मैंने बोला चाहे बेटी हो या बेटा। हाँ। वो पहनेगा, छोटा होगा ना। हाँ तो वो पहनेगा। मैंने सिलाई करके दिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी बताना नहीं है बेटी है या बेटा। हाँ वो तो हमने अलग से बताना है। हाँ जी इंशाल्लाह वो अलग में बताएंगे जब वो घर आ जाएंगे, अभी छुट्टी होने वाली होगी है ना। हाँ इरफान भी बता रहे थे कि बच्चे के जो है वो ड्रिप लगा रहे हैं तो वो जो नाड़ होती है ना वो नहीं मिल रही, एक घंटा हो गया है वो नाल ढूंढते बच्चा है ना। हाँ। तो दुआ करें कि वो नाल भी लग जाए और बच्चे के जो है ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। हाँ अभी बात हुई है ना। हाँ माशाल्लाह से हमारे घर में कहा तो खुशियों की लहर दौड़ी। वाह 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 वाह, ये तो गिफ्ट देख के खुश हो रही है, बेबी की खुशी नहीं है गिफ्टों की खुशी है। हाँ जी जब बेबी आएगा ना फिर जो वहाँ भाग जाते फिर नहीं जाएगी। हाँ सारा दिन अपनी भाभी के साथ चिपकी बैठी रहेगी। हाँ चलो ठीक है पानी वगैरह पिला दो जी। हाँ जी और ये खजूर भी है ये उधर सऊदीया की, जमजम का पानी भी लेके आए थे, वो पानी है जमजम का ये भी पिलाएंगे सबको इंशाल्लाह। हाँ सुरमी भी है, सऊदीया वाली सुरमी।